एक किसान के पास एक घोड़ा और एक बकरी थी। एक दिन घोड़ा बीमार हो गया और उसने पशु चिकित्सक को बुलाया। पशु चिकित्सक ने घोड़े को देखा और बताया कि घोड़े में वायरस है। उसने 3 दिन की दवाई दी और कहा, मैं 3रे दिन वापस आऊंगा और यदि वह बेहतर नहीं हुआ तो हमें उसे मारना होगा। पास ही बकरी उनकी बातचीत ध्यान से सुन रही थी और ये बात सुनकर वो घबरा गई। अगले दिन उन्होंने उसे दवा दी और चले गए। बकरी घोड़े के पास आई और बोली, मजबूत बनो मेरे दोस्त, उठो वरना वे तुम्हें सुला देंगे। दूसरे दिन उन्होंने घोड़े को दवा दी और चले गए। बकरी वापस आई और बोली, चलो दोस्त उठ जाओ नहीं तो मर जाओगे, चलो मैं तुम्हें उठने में मदद करूंगी। तीसरे दिन वे घोड़े को दवा देने आए और पशु चिकित्सक ने कहा, दुर्भाग्य से हमें कल उसे मारना होगा अन्यथा वायरस फैल सकता है और अन्य घोड़ों को संक्रमित कर सकता है। उनके जाने के बाद बकरी घोड़े के पास आई और बोली, सुनो दोस्त अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो उठो और आराम से चलो नहीं तो वो कल तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर घोड़ा डर गया और आराम आराम से चलते चलते फिर दौड़ने लगा। अचानक मालिक वापस आया, घोड़े को खेत में दौड़ते देखा और चिल्लाने लगा, ये एक चमत्कार है, मेरा घोड़ा ठीक हो गया है, हमें एक बड़ी पार्टी करनी चाहिए, चलो बकरी को पकाकर पार्टी मनाएं।